ये है आपका असम के डिब्रूगढ़ जिले के अंतर्गत चबुआ रेवेन्यू सर्कल के अधीन बिंदाकटा गांव, जहां से होकर हम लोग जा रहे हैं अभी मिरी गांव में, जो ब्रह्मपुत्र के उस पार है। ये आपका असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के गृह नगरी यह है, उनके घर के पीछे ही कुछ दूरी पे आपका ये गांव स्थित है। चबुआ से करीबन आपका 13 किलोमीटर दूरी पे ये गांव स्थित है। बिंदाकटा होके आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये जो आप रास्ता जो देख रहे हैं, ये कुछ महीना पहले इसके हालत इतने बदतर थे कि इसमें नाव से पार होना पड़ता था। बारिश के मौसम में पूरा पानी हो जाता था यहाँ पे। अभी यहाँ पे रास्ता कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम लोग कभी नदी के किनारे, जो डिब्रू नदी एक्चुअली कहा जाता है, मैंने ब्रह्मपुत्र नदी बताया था, इसमें एक्चुअली डिब्रू नदी कहा जाता है इस जगह को। ये जो डिब्रू नदी के किनारे में इसी गांव स्थित है, ये गांव जिसका नाम आपका एक्चुअली ये बिंदाकटा है। यहाँ से आपका नदी का पानी यहाँ तक आती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे नए पुल का, दलंग का, ब्रिज का काम शुरू हो चुका है, जो दो गांव को जोड़ती है। यह जो आप दाएं साइड में देख रहे हैं, ये पहले का नज़ारा आज कुछ महीने पहले का, जहाँ तक इस तरह से पानी से भरा हुआ था, कई घर बेघर हो गए थे। नहीं, करीबन आपका 95 फैमिली बेघर हो गए। जाओ, कुछ महीना पहले मैंने इसके ऊपर में एक वीडियो भी बनाया था, जिसको आप जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हर साल डिब्रू नदी के बाढ़ में कई गांव डूब जाते, जैसे गरेकी, मिरी गांव, बिंदाकटा, नेपाली गांव, यह सब आदि गांव है। कई सारे गांव इसमें डूब जाते हैं, कई घर बेघर हो जाते हैं। हाल ही में एक गांव पूरा पानी में समा गया, जिसका नाम आपका रंगमाला है। नदी के उस पर जो गांव है, इसका नाम है मिरी गांव। यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हर साल बारिश आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण इन लोगों को नाव से यहाँ पार होना पड़ता है। लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया उन लोग का। अभी हाल ही में जो अभी ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ के लोग काफ़ी खुश है। वो लोग अभी राहत के सांस ले रहे हैं, जो सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं लोग। अभी बात हुआ कि ये जो बेघर हुए घर, जो परिवार, जितने परिवार है, इन लोगों का स्थायी संस्थापन मिलेगा, इसके लिए आस लगा के बैठे हुए ये लोग। जो आपको ये बिंदाकटा का अंचल में जो आपको मैंने जो पहले एक वीडियो बनाया, तो उस वीडियो में मैंने दिया है, इसमें एक 95 से भी अधिक परिवार बेघर हो के, ये जो देख रहे हैं इनसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, साइड में ही यहाँ पे अपना परिवार होकर साथ में यहाँ पे रह रहे हैं। एक्चुअली ये मेन नदी नहीं है, नदी के पानी यहाँ तक आती है, और हर साल आते आते जो साइड का जो किनारा जो भूकटाव के कारण पानी बह जाता है, इसके कारण कई गांव अब तक पानी में समा चुका है। इसमें धोदिया, लाइका भी है, कई जो मेरी गाँव दिखाई दे रही है, नदी के बीचों बीच ही कहा जा सकता है। रात को दो गांव के लोग इसी रास्ते से बाइक या गाड़ी से लेकर पार होते हैं यहां से। ये जो आप देख रहे हैं, बारिश के समय में ये पूरा पानी से भरा हुआ था, यहां तक पानी के बहाव आता है, जो भूकटाव आदि से परेशान होकर लोग, कई लोग यहां से गांव छोड़ कर चले गए हैं। अभी इस पार में जो देख रहे हैं, इस पार में 100 से भी अधिक परिवार तंबू या टेंट के घर में रह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं।
चलिए अभी ये बीच थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से बोरिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी तेज गति से ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं रात को 10, 11, 12 बजे तक भी यहाँ पे काम चलता है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग जो इस पार से उस पार जा रहे हैं जहाँ पे आपका मीरी गाँव है, थोड़ा सा मीरी गाँव का नज़ारा भी आप लोग को दिखाएंगे। बारिश के मौसम में यहाँ पे बहुत काफ़ी डरावना नज़ारा होता है। यहाँ पे आदमी आतंकित हो जाते हैं यहाँ पे लोग। ये अभी देखिए यहाँ से अभी पोलो मिट्टी ऐसा गिराया जा रहा है और क्या पोस्ट का काम अभी शुरू हो रहा है। तो देख सकते हैं आप सबसे पहले आप लोग से एक गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपके सामने इस तरह का कोई नया नया वीडियो आपके सामने ला पाऊँ बना के। मैं आप पहुँच चुका हूँ मीरी गाँव। यहाँ में भी कई सारे परिवार यहाँ पे रहते हैं जो खेती करके अपना गुजारा करते हैं। ये आप देख सकते हैं सरकार के तौर से तो काफ़ी स्कीम वगैरह ऐसा इन लोगों को मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि हर साल बाढ़ आती है और काफ़ी बड़ा बड़ा एरिया पानी में समा जाता है। बोले तो आपका पूरा का पूरा गांव ही पानी में डूब जाता है। होना पड़ता है तो जो दिखा रहे उसका भी पानी रहती है। सब्जी लगा खाली ये आपका कंस्ट्रक्शन।